है एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग देख रहे थे कि हमने मेरे मम्मी का जो इलाज किया है, जो डॉक्टर साहब, इनका नाम है चैतन्य सिंह, इन्होंने मेरा इलाज मम्मी का इलाज किया था। तो मैंने इनका सोचा कि बहुत ही अच्छे से इलाज किया था, तो मैंने सोचा कि इनका पेंटिंग बना के इनको गिफ्ट किया जाए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिए थे, रात को जग के, रात भर लग गया था इसको हमको बनाने के लिए। मेरे पास कोई कलर भी नहीं था कि इसको अच्छे से बनाया जाए, ना ही कोई पेंसिल था। तो एक वाटर कलर मेरे बैग में था और दो चार ब्रश थे, तो मैंने सोचा कि वाटर कलर से ही क्यों नहीं बना दिया जाए। तो ये वाटर कलर से बनाया हुआ है, लेकिन वाटर कलर जैसा नहीं लग रहा है कि वाटर कलर से ही बनाया गया है, ये लग रहा है कि पोस्टर कलर से बनाया है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, ये वाटर कलर है। ऐसा ही करके इस सभी पिक्चर को मैंने कलर करके बना रहे हैं, वाटर कलर के यूज करते हुए। तो ये जो डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे से इलाज किया था मम्मी का, बहुत ही अच्छे से। मम्मी बोल रही थी कि मेरा अभी तक 3 ऑपरेशन हुआ था, तीनों में से सबसे अच्छा यही हुए है, जो कि बहुत ही अच्छे से इलाज किए। एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को बारीकी से समझ के, सभी चीज़ को बात करके, हर एक चीज़ का चेकअप करने के बाद, सभी करते हैं चेकअप, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातचीत करके, एक्स्ट्रा हर एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखने के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था मम्मी का ऑपरेशन। बहुत ही अच्छे से किया था, कि इतना अच्छे कि मम्मी भी बोल रही थी बहुत अच्छा। एक दिन में ही रिकवर हो गया, एक दिन में ही अच्छे से बात करने लगी और अच्छे से सब चीज़ बात कर रही है, सही से रह रही है, सब चीज़ कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा हमको, सोचा कि एक दिन वहाँ पे रुकते हैं और रुक के एक अच्छा सा गिफ्ट बना के सर को देते हैं। तो इसलिए मैंने उनका पिक्चर ले रहा था, सोचा था कि सरप्राइज़ दें इनको, लेकिन इनका पिक्चर मिल ही नहीं रहा था। गूगल पे भी नहीं मिल रहा था, नहीं यूट्यूब कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैंने सर्च करके देखा था, इन्होंने शायद पोस्ट नहीं किया था इसलिए नहीं मिल रहा था, या फिर किसी और नाम से पोस्ट किए होंगे इसलिए नहीं मिल रहा था, और पूछ भी नहीं रहे थे कि सरप्राइज़ देंगे इनका गिफ्ट बना के। तो फिर मैंने क्या किया कि एक दो पिक्चर लिया था, तो पिक्चर लेने में उसमें अच्छा पिक्चर नहीं आया था, जैसे कि अच्छे से बनाया जाए, बना के उनको गिफ्ट किया जाए, तो वो अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने अगले दिन उनके चैम्बर में उनसे परमिशन ले के, चैम्बर में जाके उनसे दो पिक्चर मैंने मोबाइल में अपने लिया था। लेने के बाद मैंने सोचा अब इसे बनाते हैं। तो रात को मैंने बैठा था 6 बजे के करीब में बनाने के लिए, और बनाते बनाते करीब 3 बज गया हमको बनाने में, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। नींद में भी बना रहे थे, 2 दिन से जगे थे और नींद भी आ रहा था, अच्छे से नहीं बना पा रहे थे। ऐसे ही करते करते 3 बजे तक कुछ बना लिए थे, फेस वाला पार्ट ये सब चीज़ कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ था उसको मैंने सोचा कि अब सुबह में बनाएंगे। अब सुबह में मैंने उठा, जल्दी से फ्रेश होके अभी से बनाना चालू कर दिए। जैसे बनाना चालू किया, जो इनका टी शर्ट है, टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको भी मैंने बनाया था। तो इस तरीक़ा से हम इसे धीरे धीरे करके कंप्लीट किए थे। और जो मम्मी का ऑपरेशन हुआ उस समय में, मम्मी का जो गल ब्लैडर है, जिसको पित्त की थैली बोला जाता है, वो ऑपरेशन हुआ था, तो इन्होंने निकाल के दिखाया था। अब इसे चेकअप करने के लिए भेजा जाएगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का क्लिप मैंने ऐड कर दिया था, मतलब हर एक चीज़ इतना अच्छे से, इनोसेंट, जैसे इनोसेंट एक इंसान होता है उस टाइप से ये इलाज कर रहे थे, उस टाइप से बातचीत कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। आज जिन जिनका अच्छा लगता है हमको व्यवहार विचार, उन्हीं का मैंने पिक्चर बनाया था। सबको पता होगा, बहुत लोग हमको कमेंट करता है बनाने के लिए, बहुत लोग मैसेज करता है, व्हाट्सअप करता है, हम नहीं बना पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते। हमको लगता है उनको टाइम देंगे तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके जगह पर कुछ और बना के अपना कर लेंगे, या फिर जो भी ऑर्डर आता है वो सब बना लेते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं। जिनका विचार सब चीज़ अच्छा रहता है उनका मैंने ऐसे ही बना के सरप्राइज़ गिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब थे चैतन्य सिन्हा सर, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ किया, बहुत ही मतलब दिल जीत लिया मम्मी का अच्छे से इलाज करके। इसलिए मैंने ये वाटर कलर से, मेरे पास वाटर कलर ही था इसलिए मैंने सोचा कि वाटर कलर से ही इसे बनाते हैं, और इसे वाटर कलर का यूज करते कि मैंने बनाया था। आपने देखा होगा कि वाटर कलर बगल में है, ब्रश का यूज करते हुए हमने वाटर कलर से इस पेंटिंग को हम लोग बना रहे हैं, जो कि डॉक्टर चैतन्य सिन्हा इनका नाम है, जो कि ये हॉस्पिटल रोड के अंतिम है। हम एड्रेस यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इलाज करते हैं, इतना अच्छे से कि क्या बताएं। अभी तक का सबसे अच्छा इलाज यही लगा है मम्मी वाला, जो कि ये सर किए हैं, मतलब जितना भी बोला जाए कम ही है इसके लिए, मतलब 5 स्टार में से 5 स्टार, मतलब 10 of 10 दिया जाएगा इनका नंबर। अब रेटिंग का बात किया जाए तो 10 में से 10 रेटिंग होगा, थोड़ा किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
इसीलिए मैंने इनका पेंटिंग बनाया। अब लगभग मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने बैकग्राउंड बनाना चालू किया है। बैकग्राउंड में मेरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत दाग लग रहा है, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम अपना पिक्चर थोड़ा सा यहाँ पर लिए हैं, टाइम नहीं था स्टैन भी लगाने का और इसे बनाने के लिए, तो रात को जग के बनाए थे और यहाँ पर सुबह में बना रहे हैं। करीब 8 बजे बज रहा है इस टाइम। तो थोड़ा सा बचा हुआ था उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम जब कंप्लीट हो जाता है तो इसे ले चलेंगे फ्रेमिंग करने के लिए, और फ्रेमिंग करने के बाद सर को गिफ्ट करेंगे। आज ही मम्मी का डिस्चार्ज होगा, आज ही मम्मी को घर लेके जाना है। मम्मी अब सही हो गई है, पहले से ऑपरेशन हो गया है सही से, अब मम्मी को घर ले जाना है। आज आज का डेट है 3 तारीख। मैंने सोचा कि यहाँ पे एक डेट लिख देते हैं कि सर को भी याद रहेगा, हाँ इस डेट को, डेट के पहले किसी मरीज़ का इलाज किए थे और इस तरीक़ा से बहुत ही अच्छे से इलाज हुआ था। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम लिख दिया था, अपना नाम, मेरा ही नाम मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और डेट भी मेंशन कर दिया। जब ये कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मैंने ले गया था अपना इसे फ्रेमिंग करवाने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा रिवील करके दिखा देते हैं कैसा बना हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा बना हुआ है। और आप लोग को भी इलाज करवाना है, पथरी हो गया है, स्टोन हो गया है, मम्मी देखिए पहले से रिकवर हो गया अच्छे से। अब यहाँ पे हम लोग फ्रेमिंग करवा लिए। आप लोगों को भी इलाज करवाना है तो यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पे हम सर को चलते हैं देने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। चलो क्या सर बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग सुनिए। दीवार में जगह कुछ ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा है, टैलेंटेड हो, कुछ करते क्या नहीं हो उसमें आर्ट्स में? हाँ पटना, हाँ हाँ बाईपास से बड़ा भी प्रस्तुत किया है वहाँ से, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। अश्विनी कुमार, जैसे आप देख रहे थे थंबनेल में, देखे हो गए सर हैं जो कि मेरे मम्मी का इलाज किए हैं, जो कि स्टोन हो गया था, बहुत ही अच्छे से इलाज किए हैं। और आप लोग देखे होंगे कि मतलब इनका विचार बहुत अच्छा लगा हमको, जैसे कि हम 5 स्टार में से इनको 5 स्टार देंगे, हमको बहुत अच्छा लगा इसीलिए। और पिक्चर जो बनाया है वहाँ पर रखा हुआ है, हम रात को देख के बनाए थे। और कुछ बताइए यहाँ के बारे में, छोटा सा प्रमोशन। अश्विनी का पेंटिंग तो देखी ही आपने, बहुत बहुत ही खूबसूरत फोटो है, एक बार दिखा लो फिर से। पोर्ट्रेट है मेरा, कल फोटो खींच के गया था, रात भर जग के बनाया है बेचारा। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। बाकी आज जिनके साथ आया था ऑपरेशन के लिए, उनका छुट्टी हो रहा है, कॉल डॉक्टर का सर्जरी हुआ है उनका, शी इज डूइंग वेल, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू कि मम्मी का इलाज करके बहुत अच्छे से किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब यहाँ पे सर को मैंने गिफ्ट दे दिया, बहुत ही अच्छा लग गया। जो सर का नाम है चैतन्य सिन्हा, डॉक्टर चैतन्य सिन्हा सर। अब यहाँ से ये लोग देख रहे हैं अस्पताल का अंदर का ये सब भी हुए, बहुत ही साफ़ सफाई है इस अस्पताल में, इतना अच्छा हमको लगा ना। यहाँ का साफ़ सफाई भी इतना अच्छा, क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था, जैसे कि सिवान का सभी अस्पताल होंगे शायद, लेकिन मैंने इस हॉस्पिटल में आया था, बहुत ही साफ सफाई। अब यहाँ से मैंने पैकिंग कर रहे थे, पैकिंग करके अब हम लोग बाहर आ गए। यही सर का क्लिनिक है जिसका नाम है डॉक्टर चैतन्य सिन्हा, जो कि है बेंसार रोड में। ऐसे अब यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं, जो कि सर के क्लिनिक का बाहर का रोड है, जिसका रोड का नाम है बेंसार रोड। यहीं पर हैं रामाजी चौधरी, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर रामाजी चौधरी सर, उन्हीं के बगल में है डॉक्टर चैतन्य सिन्हा, बहुत ही अच्छे से इलाज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग अब घर निकलेंगे। अब थोड़ा बुआ बात करेगी, इसलिए कि यहाँ से बुआ को अपने घर जाना है, बुआ को छोड़ने जाना है। तब ऐसे ही हम लोग बाहर जाके सभी पैकिंग करके अब हम लोग घर निकले। डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य सर,
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।